हॉट न्यूज इंडिया देख रहे हैं तुम्हारा दोस्तों का मैं संदेश निंजा स्वागत करता हूँ। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। जलंधर में 1 साल के बच्चों को भी हुआ कोरोना, कुल संख्या पहुंची 35। एलपीयू में फगवाड़ा के कांग्रेसियों ने यूनिवर्सिटी के सामने किया रोष प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी विवाद के अंदर हर रोज नई बातें सामने आ रही है, जहां पर विपक्षी सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी प्रबंधन को लापरवाही बरतने का आरोप मानते हुए बेहद कड़े शब्दों में शो का नोटिस जारी किया गया था। उसके पश्चात पूरे केंद्रीय मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को एक ट्वीट करते हुए 10 दिनों के दौरान यूनिवर्सिटी में हुई मौतों को लेकर न्यायिक जांच करवाने की मांग की गई थी। इसी कड़ी में अब फगवाड़ा कांग्रेस के साथ संबंधित कुछ नेता भी सामने आ चुके, जिन्होंने शुक्रवार को यूनिवर्सिटी के सामने रोष प्रदर्शन करते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग रखी। रोष प्रदर्शन के दौरान गुस्साए कांग्रेसी नेता एवं वर्करों ने सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पार्षद पति गुरदीप सिंह दीपा ने बताया कि रोष प्रदर्शन के दौरान केवल 10 लोग ही यूनिवर्सिटी तक गए थे और इसके लिए उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर एलपीयू फगवाड़ा के पास निवेदन लेकर रोड प्रदर्शन की परमिशन भी प्राप्त की गई। कोरोना की लड़ाई में प्रशासन का सहयोग करो, सहयोग करो, सहयोग करो। कोरोना की लड़ाई में प्रशासन का सहयोग करो, सहयोग करो, सहयोग करो। ही सरकार मौजूदगी एल पी दर क्यों धरना प्रदर्शन किया करना पै रहे हैं। असं अज सारे कांग्रेस के जोड़े लीडर से वो कोरोना महामारी करके असं कट्ठे हुए थे। बंदा तो इतने बहुत इकट्ठा कर सकते थे पर कोरोना महामारी करके कट्ठे नहीं हुए। सिर्फ अज असी जिते तुम्हें क्या कि पंजाब सरकार थोड़ी है तो तुम क्यों कट्ठा तुम होना पाया। मैं कुछ तुम्हें ध्यान के लिया चाहता है कि लवली यूनिवर्सिटी के घट तो घट 4000 स्टूडेंट सगा जोड़ा कि प्रशासन दस्या नहीं गया लवली मैनेजमेंट वालों उन्हां दी जिंदगी दे नाल इन्हां ने खिलवाड़ किया है। 21 साल की एक स्टूडेंट सी उन्हूं कोरोना पॉजिटिव पाई गई और मैस दे विच काम करने वाला नौजवान जिहदी डैथ हो गई है और उस गल नूं लुकोया गया। असीं अज प्रशासन नूं मीडिया दे थ्रू केंद्र दी सरकार दे कोल मंग करन इत्थे इकट्ठे होए हां कि जिहड़ी इह यूनिवर्सिटी है इह इक बीमारी दा घर है। इन्हें कोरोना महामारी नूं बुलाउण दे विच बहुत वड्डा इक योगदान पाया है। इस पर बहुत वड्डी कार्रवाई होनी चाहिए है। उदा कारण यह है कि जिथे तबलीगी समाज दिल्ली दे विच एक फंक्शन के दौरान मुसलमान भाईचारा इकट्ठा होया सी ते वो अज तक भी गल ना सरकार केंद्र दी ने छड्डी ते ना मीडिया ने छड्डी। और मैं अज बेनती करदा हाँ कि जिथे तुसी मजनू कटीले गुरद्वारे दे विच एक कार्रवाई हुई है, एक तबलीगी समाज ते कार्रवाई हुई है, इसे ही तरह लवली यूनिवर्सिटी जिहड़ी प्रशासन है, लवली का मैनेजमेंट है, वो उपर कार्रवाई होनी चाहिए है ता जो इन्हों बाकी लोगों भी अकल आ सके कि ये जिहड़ा गलत काम किया इन्होंने, जो स्टूडेंट की जिंदगी दे नाल इन्होंने खिलवाड़ किया इन्हों इस गल का जिहड़ा सज़ा मिलनी चाहिए। गुरदीप जी जे गल करिए असी लवली यूनिवर्सिटी की तो इत्थे जिहड़ा 2 महीने तो बिल्कुल भी ट्रैवल हिस्ट्री लड़की दी नहीं है, फिर करोना पॉजिटिव किमें आया हो तो की ये सवाल खड़े कर दे हो तुसी कोई सवाल खड़े। मैं देखो महामारी जिथे फैली आ उत्थे वो किदा होया किदा नहीं होया उहदी गल तां तुहानू तुहाडे सारयां दे सामने है, पर कोशिश तां जिथे जिथे केंद्र दी सरकार ने स्टेट की सरकार ने यह कह दिता सीगा कि कोई भी कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी स्कूल खुलूगा नहीं, उत्थे कोई भी स्टूडेंट अंदर नहीं रहूगा, पर लवली मैनेजमेंट ने यह लुको के जड़ा अंदर बच्चों नूं स्टूडेंट की जिंदगी दे नाल खिलवाड़ किया। असी उस गल का विरोध करते हाँ क्यों कि तुसी करोना महामारी नूं क्यों वधाउण दे विच अपना योगदान पाया। ठीक है, हाँ जी सर, अज बारे जिथे संसार दे विच करोना की महामारी चल रही है, लखां लोग इसकी चपेट विच आए आ, उत्थे साडे भारत दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अते साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री सदा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब ते हिंदुस्तान दे विच लॉकडाउन किया। उस दे विच उन्होंने यूनिवर्सिटियां नूं भी कहा सी कि वह सारे खाली रखण ते कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, पर फगवाड़ा एलपीजी यूनिवर्सिटी जिन्हें कि अंदर 2400 तो वध बच्चे नूं रखिया अते इत्थे 1-2 बच्चों की रिपोर्ट जिहड़ी कोरोना की पॉजिटिव भी आई आ। असी चाहने आ इन्हां ने सरकार दीआं जो हदायतां नूं नहीं मन्निया ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਲਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਐਲਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
अज लवली यूनिवर्सिटी के बाहर जरा समूह कांग्रेसियों वालों एक प्रोटेस्ट किया गया जिद साढ़े को इस टाइम जुड़ चुके हैं साढ़े नाल संजीव बुग्गा जी जोड़ा कि शहरी प्रधान भी है तो असं उन्होंने गलबात करते हैं की कहना चाहते हो लवली के बहर क्यों उन्होंने वालों प्रोटेस्ट किया जा रहा जी भी एक कल भी एक असी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी यही गल् की गई कि जड़ा लवली यूनिवर्सिटी ने जोड़ा 3-4 हज़ार बच्चा जोड़ा अंदर उन्होंने सगा उन्हों जाना ना खिलवाड़ किया आले दुआले देख लो किन्ने पिंड लगते हैं उन्हों जाना ना खिलवाड़ किया जो सरकार दी गाइडलाइन सीगियाँ जो सरकार ने कहा भी सब तो पहला उन्होंने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ मॉल वगैरह बंद करने के हुक्म जारी किए इन्हों चाहिए जो हुक्म जारी हुए जोड़े बच्चे इतने उन्होंने अपने अपने घरों भेजन के लिए उन्होंने यह किया पहला सब तो पहला यूनिवर्सिटियां यह हदायत की जा पर जिहड़ी लवली यूनिवर्सिटी आ जिहड़ा इन्हां दी मैनेजमेंट आ इन्हें जिहड़े सरकार दियां जिहड़ियां गाइडलाइन आ उहदियां धज्जियां उड़ाईआं और मैं समझदा कि जिद्दां एक आपां कोई बंदा कोई क्राइम करदा उहदे ते परचे दर्ज हुंदे आ इन्हां ते भी क्रिमिनल परचा दर्ज होना चाहिए कि इन्ने बंदिआं दे इक जिहड़ा वर्ल्ड की महामारी जिहड़ी पई होई आ उहदे च इन्हां ने एड्डी कोताही की आ और मैं समझदा कि जान बुझ के की गई है क्योंकि जिहड़े बच्चे खाने तो भी जिहड़े तरस रहे आ आले दुआले पिंड वाले उन्होंने खाना पहुँचा रहे मैं समझदा इस तो वड्डी शर्म की गल इन्हां दे लेनी हो बुग्गा जी जे गल करिए दिल्ली जमातियां दे खिलाफ जिहड़ा देश द्रोही दे भी परचे दर्ज किए गए तो क्या लगता तुहानूं कि प्रशासन वालों थोड़ी लापरवाही वरती गई है इन्हां दे परचा दर्ज होना चाहिए बिल्कुल मैं यही गल करनी चाहुंदा भी जिहड़ा सानूं इह प्रोटेस्ट करना पैणा पिया आ उहदे तों पहलां प्रशासन नूं इन्हां ते परचा दर्ज कर देना चाहीदा सी क्योंकि दिल्ली दे विच चाहे जमात वाले सी चाहे वो जिहड़ी एक्ट्रेस की आपां गल करदे आ उहदे सी मतलब किसी ने भी इस जिहड़े कोरोना नूं लुकाया जां कोरोना दे गाइडलाइन नूं नहीं कवर किया उहदे ते परचा दर्ज होया ते सब तो पहलां इन्हां ते परचा दर्ज होना चाहीदा सी पर हले नहीं किया गया परचा इन्हां ते मैनूं पता लगा भी कल कारण बताओ नोटिस इन्हां नूं जारी होया पर असी यही मांग कर रहे हैं कि इन्हां दे जल्द तो जल्द परचा दर्ज होना चाहिए अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा जरूर मंगों को राशन पहुंचाए जाने से आहत कांग्रेस नेत्री ने दिया इस्तीफा जलंधर में नए मेडिकल स्टूडेंट ने संभाला चार्ज कोविड-19 के चलते किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के सदस्यों ने SDM को सौंपा मांग पत्र विश्व में संक्रमित संख्या पहुंची 21 लाख के पार चेयरमैन ईओ व अन्य कर्मचारियों ने पंजाब रिफिल फंड में दिया अपनी तनख्वाह बढ़ रही LPU की मुश्किलें केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने LPU में हुई मौतों की न्यायिक जांच की मांग फिरोजपुर में भी मिला कोरोना का पहला केस लुधियाना में कोविड में ACP के बाद 3 और रिपोर्टों की आई पॉजिटिव रिपोर्ट शोपियां में आतंकवादियों ने भारतीय सुरक्षा बलों से मुठभेड़ 2 आतंकवादी ढेर सरपंचों के बने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली गई अश्लील फोटो VDPO ने किया तलब मैं आके देखा कि मैं रास्ते जिसका तो मेरे गेड़ दिखे चोर बचे घर आते मैं दिखा तो इतना धोखा लग गया क्योंकि सातवीं बार मैं जितया एक थोड़े गेड़ के अनुसार तुम कहते भी यह जो मेरा मेरा जो फोन सी घर पिया सीगा उस फोन तो मैं घर रख के तो पिंड च पहरे लाउण चल गया 8:30-9 बजे तक मैं वो पहरे दोहीं पास लाउंदा रहा जब मैं घर गया तो मेरे जांदे नूं मेरे इस फोन ते फोन आया
कि तू गलत फोटो भेज दी है। मैं देखा भी मैनू, मैं क्या जी कितने भेज दी है, कहते जी अपने तू व्हाट्सएप तो। मैं दसिया कि मैं 70 साल का हाँ, मैं तो व्हाट्सएप चलाना तक नहीं आता, मेरे सारे पिंड नूं पता कि हूँ व्हाट्सएप नहीं चलाना आता। वो को फोन एक छोटा जहा फोन मैं रखदा, मैं इस छोटे जहा फोन पसंद रखदा। इस करके वो जिहड़ी फोटो भी पई आ सरपंचां वाले ग्रुप च, मैं सारे सरपंचां नूं जिन्ने भी मेरिया भैणां बीबियां सारे सरपंच भरा आ सारे तो माफ़ी मंगदा हाँ कि ये जो भी होया बहुत शर्मनाक है, जिहदी कि मैं बहुत ज़्यादा निंदा करदा हाँ। इस करके मैं बेनती करदा हाँ कि अगे तो यहो जी कोई गल नहीं होगी, जिन्हें भी किया वो जाने पर नंबर तो मेरा आ, इस मैं कसूर बारे मेरा नंबर आ, मैं ये सारे तो माफ़ी मंगदा। मैंने बी डी ओ साहब उन्होंने सद्या, सद के वो चिट्ठी कढ़ी, मैं चिट्ठी कढ़ के तो मेरे को जवाब मंगया, जो जवाब हुण तुहाडे सामने दिता। यही मैं बी डी ओ साहब ने कहा भी मैंने तो व्हाट्सएप चलाना तक नहीं आता, वो फोन मैं मेरे को आह फोन हुंदा, किसी तो भी पुछ लो सारे पता भी मेरे को आह ही फोन हुंदा। फोन मेरा घर सेगा पिया मेरे बच्चों का, उस फोन आता है, मैं उन्होंने कहता भी हूं भी मेरा इससे फोन करो, वो नहीं डैडी तू इस तरह उंगली मारिया कर, तो हरा बटन आना, हरा बटन तां कर दिया कर, तेरा फोन चालू हो जाए असं गल कर लिया करा। घर रहा हूँ अलावा पिंड घर मेरे को सारे पिंड के लोग आए गए रेंगे, कोई कहता मैं इधर जाना मोहर ला दो, कोई कहता इधर जाना मोहर ला लो। साढ़े पिंड एक लेडीज आज वो उठ के गए आ कि सानू फगवाड़े जाना, कल असं अपनी मम्मी लैके वो बहुत ज़्यादा बीमार आ, जिदी कि हूँ इस वेल डैथ हो गई है। ये क्योंकि मैं 70 साल का हो के ये काम करने, मेरे नाल शरारत हुई है, मैं ये बहुत ही शर्मनाक गल मानता कि जो भी होया माड़ा होया। ब्लाक रोड़का दे विच जिहड़ा साडा हैगा सरपंचां दा ग्रुप हो बणिया आ, असीं जो भी सरकार दीआं जरूरी हदायतां आउंदियां आ, कोई सरपंचां नूं मैसेज देण वास्ते कोई सरकार वल्लों जरूरी हदायतां आउंदियां, असी वो अपनिया इन इस ग्रुप के पाते हैं ता जो सरपंचों तक पहुँच सके। जरा अपने सरपंच ग्राम पंचायत ढींसा है वो वालों कोई इस ग्रुप के अश्लील फोटो पाई गई है, असी अपने दफ्तर के पत्र कट के उन्होंने दफ्तर में तलब किया है। बाकी उन्हों का पक्ष लेंदे हुए अगर जे मतलब वो खिलाफ असी कानूनी कार्रवाई करांगे। जेंट सही है सर, साढ़े सरपंचों तो इलावा साढ़े मुलाजमान के बिच भी ना शामिल है, तो मतलब उन्होंने थ्रू भी असं ये मैसेज पा रहे नहीं जे जो ग्रुप बने जी ये कल जेंट्स है या लेडीज सरपंच भी बच्चे है। देखो सरकार दे थानू पता ही है भी सरकार दी हदायतों मुताबिक जेडे 50% जेडे आ भी अपने कोल लेडीज जेडे पंच सरपंच हैगे आ उहदे विच 50% समझो लेडीज सरपंचां दे नाल भी ग्रुप रिलेटेड आ। ये सर किहड़े किसी तो लेडीज सरपंच दा फोन आया सर असली फोटो संबंधी जानकारी अज सवेरे सानू थ्रू सैकटरी के थ्रू सानू जी जानकारी मिली है, असी उस वेले हरकत दे विच आके सरपंच जिहड़ा तां कर लिया। ये थे अभी तक के समाचार, नए समाचार लेकर जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।